ठंड में गरीब बेघर परिवार का एक कंबल। माँ, पेट नहीं भरा, मुझे एक रोटी और दे दो। माँ, एक रोटी मुझे भी देना। 7 साल के शीनू और 5 साल की मोनी को रोटी मांगता देखकर इंदु डबडबाई आंखों से कहती है, बच्चों अभी तुम्हारे दादाजी दादी माँ खाने को बाकी है, पिताजी ने भी नहीं खाया। तभी फटे चीटे कंबल में कपकपाते बूढ़े सास ससुर हरियर और सीता की आंखें अपने घर की गरीबी को देखकर रो पड़ती हैं। अरे बहू, दे दे एक रोटी बच्चों को, कम से कम बच्चों को आधा पेट मत खिला। हम बूढ़े तो जैसे तैसे रहेंगे, मगर बच्चे का उनका पेट कहाँ मानता है। मगर माँ जी, गिनकर ही रोटी बची है, फिर आप बाबूजी और सुशील क्या खाएंगे। तभी फटे हुए शर्ट में ठंड में ठिठुरते सुशील अंदर आता है। बाप रे बाप, आज तो बड़ी ठंड है। लगता है इसे जाड़े ने जकड़ लिया है। अरे अगहन का महीना है सीता, ठंड तो होगी, ऐसे में इस फटे कपड़ों में कहाँ ठंड जाएगी। ये कहानी है गरीब सुशील के परिवार की। सुशील ने कोयले की खान में पत्थर तुड़ाई का काम करता था, जिससे उसे रोज के सिर्फ 70 रुपए की दिहाड़ी ही मिलती थी, जिसमें बूढ़े माँ बाप को 2 बच्चे, पति पत्नी, एक बहन, बूढ़ी दादी, इतने बड़े परिवार को कमा कर खिलाना सुशील के लिए बड़ा कठिन था। उनके पास जाड़े से बचने के लिए ले देकर एक झोपड़ी थी और ओढ़ने को एक बड़ा पुराना कंबल। दिसंबर की बर्फीली रात थी, बेचारा वो गरीब परिवार एक पतली गुदरी पर कंबल ओढ़े सो रहा था। माँ, माँ, दे दो ना, थाला कंबल भैया ने ले लिया है, मुझे ठंड लग रही है। तुम दोनों ने फिर से कंबल की छीना छीनी शुरू कर दी। देखो दादा दादी के पास जरा भी कंबल नहीं, थोड़ा कंबल इधर दो। माँ, पिताजी से कहो ना वो नया कंबल खरीद लाए, इसमें तो ठंड भी नहीं जाती। शीनू के मुंह से नए कंबल खरीदने की बात सुनकर सुशील चिंता में आ जाता है, क्योंकि उस ठंड के कहर में उस गरीब के लिए जहां 2 वक्त की रोटियां भी कमाना भारी पड़ रहा था, ऐसे में वो कंबल कहां से खरीदता। जैसे तैसे सभी कांपते ठिठुरते उस पतले कंबल में रात काटते हैं। तभी आधी रात को बर्फीला तूफान उठता है, खिड़की टूट कर गिर जाती है, तभी सब ठंड से उठ जाते हैं। राम, हे राम, खिड़की भी टूट गई। तभी झोपड़ी को हिलता देखकर बच्चे रो पड़ते हैं। माँ, पिताजी, झोपड़ी तो हिलने लगी, अगर झोपड़ी टूट गई तो हम सभी ठंड में कहाँ रहेंगे। शीनू के सवाल ने सभी को उलझन में डाल दिया। तभी तूफान का तेज झोंका उनकी झोपड़ी को उड़ा ले गया। ठंड के इस कहर ने एक बार फिर एक गरीब परिवार को बेघर कर दिया। ठंड इतनी थी कि सभी थरथरा कर कांपने लगे और 70 साल की बूढ़ी सुखिया भगवान से लड़ पड़ी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते जा रहे थे। क्यों ऊपर वाले इतनी निर्दयी क्यों है रे तू? खुद तो अपने घर में बैठा है और हम गरीबों को बेघर कर दिया। अरे क्यों, आखिर क्यों? तू सारे सितम तू हम गरीबों पर ही ढाता है। गोली बुआ, बूढ़ी दादी क्यों लो रही है? कुछ नहीं मोनी। तभी जोर जोर से बादलों को गरजता देखकर बूढ़ा हरिहर कहता है, लगता है आसमान से आफत बरसने वाली है, हमें इस ठंड से बचने का कोई ठिकाना खोजना होगा। तभी झोपड़ी छोड़ते वक्त वो गरीब बहू उस फटे कंबल को साथ ले लेती है। बेचारा गरीब बेघर परिवार ठंड में कांपते ठिठुरते सड़क पर दर दर भटकने लगते हैं और एक फुटपाथ पर आ जाते हैं, जहां सड़क पर बहुत से गरीब लोग कोई चादर तो कोई बोरी ओढ़कर सो रहा होता है। एक काम करते हैं, अभी यही सो जाते हैं। पूरा परिवार हाथ पांव मोड़कर कंबल में बैठ जाता है। तभी आसमान से बर्फ गिरने लगती है और एकदम से सड़क पर घना कोहरा छा जाता है। ठंडी बर्फीली हवा चलने लगती है जो उन गरीब बेघरों का रूह तक सहरा रही थी। हे राम जी, ये बर्फीली ठंडी हवा तो हड्डियों में चुभ रही है। इस कंबल ओढ़ने से भी शरीर में गर्म नहीं हो रहा है, बल्कि और ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पर बर्फ की सिली ओढ़ी हो। एक तो इस कंबल में इतने सारे छेद हैं, तो कहां से जाएगी ठंड? पता नहीं ऐसे कहर भरे मौसम
ईश्वर हम गरीबों को ही क्यों दिखाता है। अरे मेरे भी हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। सीता, लगता है ये ठंड हम गरीबों की जान लेकर जाएगी। आई आई माँ, मुझे अपनी गोदी में छुपा लो, बहुत ठंड लग रही है। आजा मेरी बच्ची। इंदु मोनी को थपकी देकर सुलाने लगते हैं। तभी पुलिस की जीप वहां आकर सड़क पर सोए गरीबों को लाठी मारकर भगाने लगती है और लाठी की मार सुशील के गरीब परिवार को भी खानी पड़ती है। आह, आया है राम। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे इंस्पेक्टर क्यों मार रहे हैं हमें? क्यों मे जाले, क्या तेरे बाप की सड़क है जो यहाँ जम गए हो? घर कहाँ है तेरा? घर तो है ही नहीं साहब जी। अगर घर होता तो मेरा गरीब परिवार इस सर्दी में सड़क पर थोड़े ना होते। ये कहते हुए बेबसी के आंसू सुशील के आंख से बहने लगते हैं। फिर भी पुलिस वाला उन पर दया नहीं दिखाता और वहां से भगा लेता है। लाठी की मार खाने के बाद पूरा परिवार दर्द से तड़प उठता है। उस कड़कड़ाती ठंड में भी उन गरीब बेघरों के तन पर ना तो कोई स्वेटर था और ना पैरों में चप्पल। कुछ दूर चलने के बाद उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। हमें आज की रात यही काटनी होगी। आसमान से इतनी ओस और बर्फ गिर रही है, आगे का सफर तय करना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। सभी कंबल में आ जाइए। माँ, भाभी ठीक कह रही हैं। हर सेकंड ठंड का तापमान घटता जा रहा है, हमें यहीं ठहरना चाहिए। सभी कंबल में सो जाते हैं, मगर सुबह लोग उनके ऊपर कचरा डाल जाते हैं। तभी हरिहर बोलता है, अरे बंगलों में रहने वालों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता जो अपने घर का कचरा और गंदगी हम गरीबों के मुंह पर फेंक कर जा रहे हो? ईश्वर ऐसे बुरे दिन किसी दुश्मन को भी न दिखाए जब उसे बेघर होकर दर दर भटकना पड़े। देखते देखते शाम ढल जाती है और 5-6 बजते ही कोहरे भरी धुंध छा जाती है, जिससे सड़क तक भी दिखाई देनी बंद हो जाती है। सुखिया का बूढ़ा शरीर ठंड की मार और सितम सह नहीं पाता और वो इतना दुख भोग कर इस दुखदाई दुनिया से चली जाती है। दादी माँ, देखो ना, बूढ़ी दादी कुछ बोल नहीं रही, अभी तक क्यों सोई है वो? बूढ़ी दादी ठंड से कई दिन से सोई नहीं थी ना सीनू, इसीलिए सो रही है। पर जैसे ही सीता सुखिया को जगाती है तो वो कोई जवाब नहीं देती, सब फूट फूट कर रोते हैं। अम्मा, ए अम्मा, उठो ना। कितना निर्दयी भगवान है रे तू, मार डाला तूने मेरी माँ को। बाबूजी मत रोइए, संभालिए खुद को। सुखिया का यूं चले जाना उस बेघर गरीब परिवार को तोड़ कर रख देता है। ऐसे में अपने कई दिनों के भूख से झुलसते परिवार वालों का बिगड़ा हाल देखकर वो गरीब बहू सड़क पर हाथ फैलाए खड़ी होकर भीख मांगकर उन्हें खिलाती है। कहते हैं ना, भूख और गरीबी इंसान से सब कुछ करवा देती है। दिन बीतते हैं और 31 दिसंबर की रात, जहां पूरी दुनिया नए साल की खुशियां मना रही थी, उस गरीब का परिवार अभी बेघर था। अगले दिन जब उनकी आंखें खुली, तभी एक सूट बूट पहना अमीर आदमी गाड़ी से उतरकर उनके पास आया। तभी इंदु ने झुंझला कर कहा, क्यों आए हो साहब? अब क्या इस जगह से भी हम गरीब बेघरों को भगाने आए हो? पर इतना बताना, कहां जाएं हम? ये ठंड का कहर तिल तिल हमारा गला घोट रहा है। बुलाओ अपने पुलिस वालों को और चलवाओ लाठी और मार डालो हमें, मार डालो हमें, मार डालो। इंदु के साथ उसका परिवार भी पूरा सिसक पड़ता है। उन सबका दुख देखकर उस अमीर आदमी का कलेजा छन्नी छन्नी हो जाता है। बेटी, तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं जानता हूँ कि दुनिया वाले गरीबों पर किस तरह का सितम ढाते हैं, मगर सब एक से नहीं है। मेरा नाम किशोर दयाल है। मैं हर साल गरीबों को नए साल के दिन पर कंबल और कपड़े दान करता हूँ। तुम लोगों को ठिठुरते देखा तो रहा नहीं गया। इतने में गाड़ी में से कुछ नौकर जाकर नए कपड़े और कंबल लाकर उन्हें देते हैं। ये लो, सब तुम्हारे परिवार के लिए। शुक्रिया साहब जी, आज पहली बार किसी अमीर को किसी गरीब को देते देखा है, वरना तो बेघर होने के बाद सभी ने हम पर बस जुल्म ही ढाया था। भगवान आपको खुश रखे साहब जी। उस बेघर गरीब का परिवार उस बड़े आदमी को दुआएं देता है और पूरा परिवार कंबल में पाइपलाइन में ही सोता है। थोड़े दिन बाद सुशील को सरकार से मुआवजा मिल जाता है, जिसके बाद वो फिर से अपना घर बना लेते हैं। मगर बेघर होकर ठंड में उन पर जो बीती थी, उसका दुख आज भी उनके सबके दिलों में जिंदा था। ठंड का मौसम था, स्नो हो रही थी, साथ ही आसपास क्रिसमस की रौनक लगी थी। हर जगह लाइट्स भी जगमगा रहे थे।
हर बच्चा क्रिसमस की टोपी पहने घूम रहा था और शॉप्स पर भी क्रिसमस के अनेक गिफ्ट और सेंटा स्टैचू बिक रहे थे, जिन्हें अमीर लोग बड़े शौक से खरीद रहे थे। पर उनके बीच ही एक ऐसी गरीब औरत थी जिसके पास खाने के लिए भी दाने पानी का कोई जुगाड़ नहीं था। वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ आसपास का कचरा उठाकर जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी उसकी पड़पड़ बोलने वाली 12 साल की बेटी ट्विंकल अंजना से कहती है, मम्मा मम्मा आसपास कितनी सजावट है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है ये माँ, ये क्या है? मुझे भी आप दिलाओगी ना? और साथ में क्या क्या दिलाओगी माँ? और आप चलोगे, मुझे अच्छी सी चीज खिलाओगे ना? अरे अरे अरे, तू एक बार में कितना बोलती है, मुझे तो समझ ही नहीं आती तेरी बात। इतनी सारी बातों में से पहले किसका जवाब दूं? जब देखो पटर पटर बोलती रहती है। अच्छा माँ बताओ ना, अच्छा ये देखो कितना सारा कचरा पड़ा है, उठा लूं? माँ मैं ये वाला? ओफो तू भी ना। अच्छा इसे उठा ले, ये ठीक है, और वो प्लास्टिक की बोतल भी है उठा ले, इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। ओफो माँ अब तो बता दो इतनी सजावट क्यों हुई है? अरे बेटा ये अमीरों का त्योहार होता है क्रिसमस डे, अरे वो लोग ज्यादा मनाते हैं। माँ हम भी पेड़ खरीदे और मुझे भी टोपी पहननी है, लाल वाले सेंटा होता है ना माँ, ये दिसंबर में मनाते हैं। हाँ बेटा, पर तू जानती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुझे ये सब नहीं दिला सकती हूँ, ये अमीर लोग ही मनाते हैं। तेरी माँ एक गरीब कचरा वाली है जो ठीक से दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाती है, कई रात तो हम तीनों माँ बेटी को भूखे पेट ही बिताना पड़ता है, ऊपर से तेरी बड़ी बहन की शादी भी करनी है मुझे। हाँ माँ दीदी की शादी तो इसी दिसंबर के बाद है ना, आप सामान नहीं लाओगी? अच्छा अच्छा खरीद कर बताओ ना माँ, बताओ ना। अरे बेटा तू कितना परेशान करती है अपनी माँ को, अभी तुझे बताया था ना हम गरीब हैं, तेरी माँ की बस की बात नहीं है कि वो महंगा महंगा सामान खरीदे, कितने सवाल जवाब करती है, चल यहाँ से, तेरी बहन घर पर अकेली बैठी है। अच्छा मम्मा ठीक है। कचरा उठाते उठाते दोनों माँ बेटी शाम को कचरा इकट्ठा करके कचरे वाले को देते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, उससे वो दाल चावल खरीद कर घर आते हैं। उनका घर एक कचरे के ढेर के पास पड़े पाइपलाइन का था जिसमें वो अपना गुजर बसर करते थे, और वहीं पास में चूल्हा बनाकर खाना बना लिया करते थे। तभी बड़ी बेटी किंजल कहती है, माँ माँ आप आ गए, कब से आपका इंतजार कर रही थी, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। अरे रुक मैं कुछ करती हूँ, तू आराम कर। अंजना पास के ढेर से एक बोरी ढूंढ कर लाती है, जिसे झाड़ कर वो अपनी बेटी को उड़ा देती है, फिर खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाती है। तभी किंजल अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाती है। माँ आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मेरा क्या छोटी का भी, आप हमारे लिए कितना काम करती हो, सुबह से शाम तक ठंड में परेशान होती हो, ऊपर से मेरी शादी की टेंशन भी है, आज मैं अपने हाथ से आपको खाना खिलाऊंगी, खाइए ना। और मैं भी आपको खिलाऊंगी माँ। मेरी दोनों प्यारी बच्ची हो। फिर दोनों बेटियां अपने हाथ से अंजना को खाना खिलाती हैं। माँ अगले दिन तो क्रिसमस डे है, वैसे तो मैं बड़ी हूँ लेकिन पता नहीं मेरा भी ऐसा विश्वास है कि काश सेंटा क्लॉस छोटे बच्चों की तरह हमारी विश पूरी कर देता तो हमें ऐसे गरीब जीवन नहीं जीना पड़ता ना। हाँ दीदी हमारे कपड़े कितने फटे पुराने हैं, घर भी नहीं है, आपकी शादी के लिए भी देने को कुछ नहीं हमारे पास। माँ ने कहा है कि बस आपकी विदाई कर देंगे, ना खाना है। बेटा ये सेंटा क्लॉस वगैरह कुछ नहीं होता है, जब भगवान ही हमारी विनती नहीं सुन रहे तो सेंटा क्लॉस क्या आकर हमारी इच्छाएं पूरी करेगा, सो जाओ आराम से, कल उठकर फिर खाने की तलाश करनी है। माँ कुछ भी बोलो लेकिन मुझे विश्वास है सेंटा क्लॉस जरूर आएगा मेरी विश को पूरी करने, मैं चिट बना देती हूँ। हाँ सेंटा क्लॉस इस बार आप मेरे घर आना और हमारी सारी परेशानी को खत्म कर देना, हमें सारे तोहफे देना जिससे माँ खुश हो जाए। ट्विंकल एक छोटे से पर्चे पर अपने घर की सारी इच्छाएं परेशानी गिफ्ट को लिखकर तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। 12 बजने के बाद 25 दिसंबर लग जाता है, जिसके बाद दो दो सेंटा क्लॉज अपने हिरन वाले टांगे पर बैठकर गाना गाते हुए आते हैं। हो हो हो, मैरी क्रिसमस बच्चों, मैरी क्रिसमस, आ रहे हैं हम सबकी ख्वाहिश पूरा कर दे और उन्हें क्रिसमस का तोहफा दे दे, हमें एक लड़की ने बुलाया है, चल रहे हो ना वहाँ?
हाँ बदलू सेंटा, हो 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 हो, जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलोंग राइडिंग डाउन दिस वे, जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। दोनों सेंटा क्लॉज ट्विंकल के पास पहुंच जाते हैं, उसकी विश उन्होंने पहले ही जान ली थी। हो 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 हो, अरे छोटी सी बच्ची उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस डे का तोहफा लेकर आया हूँ। कितनी परेशानी में रह रहे हैं ये लोग, कचरे के पास इस छोटे से पाइपलाइन में। दोनों सेंटा क्लॉज की हंसने की आवाज से सब उठ जाते हैं। अरे सेंटा क्लॉज, माँ दीदी देखिए ना, मैंने कहा था ना सेंटा क्लॉज आएंगे, ये मेरी क्रिसमस सेंटा क्लॉज, मेरी क्रिसमस। अरे आप दो सेंटा क्लॉज मेरे घर पर कैसे आ सकते हैं? हो 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 हो, आ सकते हैं, तुम्हारी विश इतनी ज्यादा थी कि आना पड़ा। हो 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 हो। हाँ, आज तक किसी बच्चे ने इतनी बड़ी लिस्ट नहीं लिखी। जो बच्चा परिवार गरीबी से गुजर रहा है वो अपने हालातों का जिक्र तो जरूर करेगा ना। सेंटा क्लॉज, मैं आपसे बचपन से मिलना चाहती थी, आखिरकार अब मिल गई, और वो भी दो दो सेंटा क्लॉज से। हर कोई लकी नहीं होता। ये तो है, और अब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं हूँ बदलू सेंटा। और मैं हूँ अदलू सेंटा, और हमारी जोड़ी है अदलू बदलू सेंटा क्लॉज। हो 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 हो। ओहो, आपका नाम अदलू और बदलू है, अब हमारे गिफ्ट दो ना, आप क्या लेकर आए हो? ओहो, कितनी बोलती हो तुम। दोनों सेंटा बारी बारी से अपने झोले से ढेर सारे तोहफे निकालते हैं। ये लो, तुम्हारी बहन का ये शादी का तोहफा है, तुम्हारी बहन के लिए शादी का जोड़ा, गहने और मेकअप, और तुम्हारे लिए कुछ खिलौने, प्यारे प्यारे गिफ्ट, अच्छे गरम गरम कपड़े, और तुम्हारी माँ के लिए ये छोटा सा बॉक्स, इसमें वो सब है जो तुम सबके काम आएगा। अच्छा अब हम चलते हैं। थैंक यू सेंटा क्लॉज, मुझे विश्वास नहीं था आप पर, लेकिन अब हो गया है। हमारी मदद करने के लिए और मेरी बेटी की पुकार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैरी क्रिसमस। अच्छा अब दुखी नहीं होना, हम चलते हैं, और भी बच्चों को तोहफे देने जाना है। ये बोलते अदलू बदलू सेंटा क्लॉज अपने तांगे में बैठकर हो 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 करते हुए चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों और भी बच्चों की मदद करते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं। वहीं अंजना सेंटा के दिए तोहफों से बहुत ज्यादा खुश थी। अरे वाह, सेंटा सच में होते हैं, देखो ये तो हमारी सारी परेशानियां खत्म कर दे। इसमें कुछ पैसे और हीरे मोती हैं, जिससे मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी कर सकती हूँ, और छोटा सा घर लेकर अपना काम भी खोल लेंगे। हाँ माँ, ये बोलते ही वो आराम से सो जाते हैं। अगले दिन अंजना अपनी दोनों बेटी के साथ क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करती है। इसके बाद वो सेंटा क्लॉज के कपड़े भी पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, गरीब लोगों की भी मदद करते हैं। अगले महीने अंजना किंजल की शादी धूमधाम से कर देती है, जिसके बाद वो एक छोटे से घर में किंजल के साथ रहने लगती है। इस तरह गरीब कचरे वाली छोटी सी चाय की रेड़ी लगाकर कचरा बिनना छोड़ देती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। फल की चिंता ना करें, बस कर्म करते जाएं।